हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रिलायबल सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरिए से आप अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आपके पास जो हार्ड डिस्क में डेटा रहता है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। मीन्स अचानक जब आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो आपका जो डेटा है मिस हो जाता है। तो ये सब कुछ होने से पहले आप पहले ही अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हार्ड डिस्क को चेक कैसे किया जाता है, उसकी हेल्थ को चेक कैसे किया जाता है। हार्ड डिस्क की हेल्थ को चेक करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिसका नाम है हार्ड डिस्क सेंटिनल। ये सॉफ्टवेयर आपको गूगल से मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री और पेड दोनों मिलेगा। अगर आप जस्ट हार्ड डिस्क की हेल्थ को चेक करना चाहते हैं तो आप एक फ्री वर्जन को डाउनलोड कर लेकर, एक ट्रायल वर्जन रहता है उसको डाउनलोड कर लेकर आप चेक कर लेकर फिर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर जाना चाह रहे हैं तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क की हेल्थ कितनी है, टेम्परेचर कितना है और इसका परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है। तो एक्सेलेंट है, 100% है। मीन्स हमारे पास हार्ड डिस्क की हेल्थ 85% होने के बाद भी एक्सेलेंट दिखा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपके पास अगर हार्ड डिस्क की हेल्थ 85 के ऊपर होना चाहिए तो आपकी हार्ड डिस्क गुड है। अदरवाइज उससे कम होती है तो आपकी हार्ड डिस्क की कंडीशन गलत है, बेकार है। आपको क्या करना होगा कि बिलो अगर 85 और 75 के बिलो आ जाती है तो आपके हार्ड डिस्क का डेटा आपको दूसरे हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके रखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये सिचुएशन में भी अगर हमारी हार्ड डिस्क है तो हमारे पास 530 डेज 10 आवर्स के हिसाब से डेटा अवेलेबल है, लाइफ अवेलेबल है। अब हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क इतने दिन तक चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क की जो रिमेनिंग लाइफ टाइम है इतना 935 डेज है। तो हमको इससे पहले ही हमारे हार्ड डिस्क का डेटा को दूसरे हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके रखना होगा। तो इस तरह हम हमारे हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली हमको डिटेल मिल जाती है, जैसे कि दिखा रहे हैं यहाँ पे ड्राइव, द ड्राइव फाउंड एट बैड सेक्टर ड्यूरिंग इट सेल्फ टेस्ट। कभी कभार क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क में सी ड्राइव में डेटा ज़्यादा होने की वजह से भी, हार्ड डिस्क की हेल्थ अच्छी रहने की वजह से भी हार्ड डिस्क की हेल्थ कम दिखाता है। तो हमेशा आपके सी ड्राइव को खाली रखिए, उसमें ज़्यादा डेटा मत रखिए। और वायरस की वजह से भी कभी कभार आपको इस तरह रिजल्ट दिखा सकता है। तो आप वायरस से आपके सिस्टम को और हार्ड डिस्क में सी में ज़्यादा डेटा को स्टोर करने से बचाइए। आइए देखते हैं कि हार्ड डिस्क सेंटिनल क्या काम करता है। जब आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद में जब सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, स्टार्टअप के टाइम आपके सिस्टम में हमेशा हार्ड डिस्क का टेम्परेचर, हेल्थ और परफॉर्मेंस को चेक करके देता है सॉफ्टवेयर। आप चाहे तो सिस्टम में इंस्टॉल करके रख सकते हैं या चाहे तो हर 2-3 महीने में एक बार उसको इंस्टॉल कर आप चेक कर लेके फिर बाद में उसको अनइंस्टॉल कर दे सकते हैं, ताकि आपके हार्ड डिस्क की हेल्थ कैसी आपको मालूम रहे और आपका डेटा सिक्योर रहे। हम प्रैक्टिकली डाउनलोड करने से पहले आपको दिखाएंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इस पर वर्क किया जाता है। तो एक कुछ पीपीटी है मेरे पास जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना हो, क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें जो सेटअप फाइल एक्सी फाइल रहती है उसको रन करना है। लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपको एक जिप फाइल मिलती है, उसको आप पहले अनजिप करना होगा। अनजिप करने के बाद में सॉफ्टवेयर को एक्सी फाइल को रन करना होगा। रन करके आप जब यहाँ से रन करने के बाद में आपको एक लैंग्वेज मिलेंगी, इंग्लिश सेलेक्ट करना है और आपको ओके बोलना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट बोलना है और नेक्स्ट बोलना है। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप चाहे तो लॉन्च पे क्लिक रख भी सकते, हटा भी सकते, फिनिश बोलना है। इस तरह आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एक कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जब आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके सिस्टम का हार्ड डिस्क चेक करता है, आपके सिस्टम का टेम्परेचर, परफॉर्मेंस और हेल्थ चेक करके देता है। इसके अलावा इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, ये तो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, उसकी हेल्थ चेक करेगा। जब आपके पास लैपटॉप है या सिस्टम है तो आप इस तरह के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूएसबी के जरिए उसमें लगाएंगे तो आपके ये हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करके देगा। ये हार्ड डिस्क की हेल्थ, परफॉर्मेंस और लाइफ चेक करके देगा हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आप डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर ले सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली इस तरह लगा सकते हैं। आपको
साटा केबल और डेटा केबल के जरिए हार्ड डिस्क को आपके सिस्टम में लगाना होगा, वो सिस्टम में जिसमें आप ऑलरेडी जो हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख चुके हैं, इंस्टॉल करके रख चुके हैं, तो वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो उस जब आप ये हार्ड डिस्क उसमें लगाओगे, सिस्टम को ऑन करेंगे, तो आपको ये हार्ड डिस्क की भेल पता चल जाएंगी। या फिर आप इस तरह का एक सॉकेट जो केस है वो खरीद ले सकते हैं। खरीदने के बाद में आप इसके अंदर हार्ड डिस्क फिट कर देंगे, और हार्ड डिस्क फिट करने के बाद यूएसबी के जरिए आप इस तरह से यहाँ से यूएसबी के जरिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में चेक करेंगे, और यहाँ से पावर की ज़रूरत है तो पावर भी देंगे। इस तरह आप हार्ड डिस्क भी चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप, या इस तरह भी चेक कर सकते हैं, या इसी की तरह लैपटॉप लैपटॉप का इस तरह केस रहता है जिसमें आपको कम्प्लीटली सेट आता है। इसको आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से खोलकर इसमें हार्ड डिस्क लगाकर यहाँ पे इसको केस को फिट करके इस तरह लैपटॉप की हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं। और ये तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसको इस तरह आप चेक कर सकते हैं। आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको हार्ड डिस्क सेंटिनल बोल के टाइप करना है गूगल में। टाइप करने के बाद में सर्च करना है। आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क मेन जो इसकी साइट है www.hdsentinel.com बोल के मेन वेबसाइट आ जाएंगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरे वेबसाइट भी अवेलेबल रहता है, तो आप यहीं से क्लिक कर लीजिए। इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे फाइल आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हार्ड डिस्क सेंटिनल डॉट एफ ए क्यू ये यूआरएल को फॉलो करके आप सेम यहाँ से यूआरएल देख सकते हैं। यूआरएल को फॉलो करके हाउ टू स्टार्ट यूजिंग हार्ड डिस्क सेंटिनल, ये कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ से जो मैं बताया हूँ आपको, डायरेक्ट आप ये यूआरएल यूज करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हमको यहाँ पे मिल गया है। और आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप एफ ए क्यू यहाँ से hdsentinel.com/faq.php बोल के यहाँ पे आपके मल्टीपल जो भी क्वेश्चंस है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ से डाउनलोड करते हैं। जब हम डाउनलोड करते हैं हमको यहाँ पे जिप फाइल मिलती है, यहाँ से हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा, सी के अंदर डाउनलोड फोल्डर होता है। अगर आपको नहीं पता, जो बिगिनर है जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों के लिए है ये। तकरीबन 90% लोगों को तो पता होता है। यूज़र में जाकर आप यहाँ से जो आपका यूज़र रहता है वहाँ पे जाकर आप यहाँ से डाउनलोड में जा सकते हैं। आप यहाँ लेफ्ट में मिलता है, नहीं मिलता आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड मिल जाएगा। अभी डाउनलोड हो रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे डाउनलोड मिल जाता है। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास एक जिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं है तो आपको इस पास इस तरह से नहीं दिखाएगा, तो आपको उसको अनजिप करना है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं है तो आपको जिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिप सॉफ्टवेयर भी आपको गूगल से मिल जाते हैं जिनके पास नहीं, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद में मैं आपको जो स्टेप बताया हूँ यूट्यूब जो पीपीटी के उसको फॉलो कर लीजिए। इस तरह आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, आप इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यस बोलिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हेल्थ और टेम्परेचर दिखा रहा है। हेल्थ 45% है, टेम्परेचर 85% है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है उसका और हेल्थ क्या है एक्सेलेंट दिखा रहा है। बस मेरे पास अभी इतने दिन तक ये चल सकता है, इतनी लाइफ है, लेकिन मुझे इससे पहले मेरे डेटा को सिक्योर रखना होगा। तो आप इस तरह आपके हार्ड डिस्क की हेल्थ, चाहे वो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क हो, लैपटॉप हो, या फिर आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप जब दूसरी हार्ड डिस्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क का सी डी ई दिखा रहा है। मेरे पास तीन पार्टीशन है। जो आप दूसरी हार्ड डिस्क दिखाते हैं यहाँ पे आपको एक दिखा रहे, जैसे 465 500 GB की हार्ड डिस्क है। सेकंड उसके नीचे आपको सेम इसी तरह का हार्ड डिस्क, यहाँ पे स्टीबल सीगेट हार्ड डिस्क के कंपनी के नेम के हिसाब से आपको यहाँ पे कितने जीबी की हार्ड डिस्क, हिसाब से आपका हेल्थ और टेम्परेचर दिखाता है। तो एक इंफॉर्मेशन है स्पेशल उन यूज़र के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं और कंप्यूटर फॉर्मेट वगैरह करते हैं। तो उन लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप किसी के सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो पहले उसके हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर लीजिए, ताकि बाज़ अवकात यह होता है कि हार्ड डिस्क की हेल्थ कम होती है। यूज़र जो आता है सिस्टम लेकर आता है, क्लाइंट आपके पास सिस्टम लेकर आता है कि भाई हार्ड डिस्क सिस्टम स्लो काम कर रहा है। सिस्टम स्लो काम करने का रीज़न तो एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर बहुत सारे रीज़न होता है। मैं एक स्पेशल सिस्टम स्लो काम क्यों करता है, उसके रीज़न क्या होता है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कम्प्लीटली डिटेल मिलेंगी। तो
आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जब कस्टमर आता है तो बोलता है कि भाई आप सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, आप क्या करते हैं, हो सकता है इसको फॉर्मेट करना है, वायरस आने के चक्कर में आप उसको फॉर्मेट कर देते हैं, लेकिन उसके हार्ड डिस्क की हेल्थ पहले से 10% 20% रहती है। जब आप उसमें फिर से इंस्टॉलेशन करते तो आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसके चक्कर में आपके और कस्टमर की बहस हो सकती है। कस्टमर को ये नहीं पता होता कि हार्ड डिस्क की हेल्थ क्या होती है, उसके बारे में इसको पता नहीं होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर लीजिए, उसके बाद में फॉर्मेट कर दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह हम हमारे हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर ले सकते हैं। तो ओके, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।